हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट्स अड्डा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, हाउ यू कैन क्रैक एनी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम इन जस्ट 10 डेज ऑफ प्रिपरेशन। आपसे फुल डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा, हाउ यू कैन अचीव टॉप रैंक इन योर अपकमिंग बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एज वेल एज आप प्लीज़ एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, और जो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको प्लीज़ साइड बाय साइड नोट करते रहना। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो आपके टॉप अंडर ग्रेजुएट बी कॉम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लाइक आईपी यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, नरसी मुंजी, इन सब एंट्रेंस एग्जाम को मिलाकर बेसिकली आपके 5 एरियाज हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, एंड जो आपका लास्ट सेक्शन है वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इन 5 एरियाज को ओनली 10 डेज की प्रिपरेशन से कैसे तैयार कर सकते हैं, सो डैट यू कैन अचीव टॉप रैंक इन योर अपकमिंग बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स। सो स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट सेक्शन आता है वो आता है रीजनिंग का। सो स्टूडेंट, जितने भी आपके रीजनिंग में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सेकेंड जनरल टॉपिक्स। स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, मिरर एंड वाटर इमेज, सीरीज एंड सीक्वेंस, इन हर टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं लाइक एनालॉजीज, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट फिर भी आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है बिकॉज एवरी मार्क्स इज इम्पोर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो स्टूडेंट, जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है इसको आप बड़ी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, इन हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आप इजीली 15-30 मिनट्स में प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक आपका ब्लड रिलेशन है, इसमें आपको रिलेशंस याद करनी है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आपको डायरेक्शंस साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनको अंडरस्टैंड करना है। सो जो ये आपके 13 LR के टॉपिक्स हैं विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, अगर आप मैक्सिमम 30 मिनट्स भी देते हो हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, एंड 30 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड, तो आप इजिली रीजनिंग के सेक्शन को 13 आवर्स में प्रिपेयर कर सकते हो। और प्रिपेयर करने के बाद आपको एक सेशनल टेस्ट देना है विच हेल्प यू टू मेजर योर परफॉर्मेंस। और स्टूडेंट्स, रीजनिंग के सेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो हर क्वेश्चन को आपको कम से कम टाइम में सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड सेक्शन आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में चैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इन दोनों एरियाज को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके। सो स्टूडेंट, जो स्टैटिक जीके है उसमें आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई मैं आपको वही टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एंड उन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में श्योर शॉट क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको इस सेशन में इंपॉर्टेंट समिट्स इन इंडिया, बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड स्टेट्स एंड देयर डांसफॉर्म्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको एंट्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत डीप टॉपिक्स है, तो आपको उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन टॉप रैंकर कोर्स में इनरोल हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए इस सेक्शन को इजी करने के लिए हमने आपको 400 MCQ की PDF प्रोवाइड करी है, जिसमें 100 हिस्ट्री के, 100 ज्योग्राफी के, 100 पॉलिटी के एंड 100 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये वो कॉमन MCQs है जो कि हर कॉमन एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको बस यही प्रिपेयर करने हैं, नथिंग एल्स। सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स के अलावा आपको स्टैटिक जीके सेक्शन में कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, जो कि आप इजीली 7-8 आवर्स की स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हो। अब स्टूडेंट बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की। स्टूडेंट, करंट अफेयर सेक्शन में बेसिकली आपके लास्ट 2-3 मंथ के करंट अफेयर्स आपके एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए एक ऐप है इनशॉर्ट्स, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं,
इस ऐप में आपको डेली करंट अफेयर न्यूज़ को वन सेंटेंस में एक्सप्लेन किया होता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर सेक्शन की प्रिपरेशन करने में। और जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल है, तो उनको हम वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर देन दिस, स्टूडेंट आपको जनरल अवेयर सेक्शन में कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इनफ है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जीके सेक्शन में क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप इजीली जनरल अवेयरनेस सेक्शन को 10 टू 11 आवर्स की प्रिपरेशन से प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टूडेंट, जो आपका थर्ड सेक्शन आता है वो आता है आपका जनरल इंग्लिश का। सो स्टूडेंट, जनरल इंग्लिश में बेसिकली आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेक्शन में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बिकॉज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 आवर डिवोट करना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने की टेक्निक्स समझने में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते समय। लाइक आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करें, तो उससे पहले आप उनके क्वेश्चंस पढ़ लें, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फाइंड आंसर्स ईजली वाइल सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इस टाइप की 4 to 5 टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने में। एंड उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 आवर्स देने ही है टू सोल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ RC। एंड एक्सेप्ट दिस, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, ये सब बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। इन सब के लिए बस आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। एंड स्टूडेंट, आपका लास्ट टॉपिक है जनरल इंग्लिश में, वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये आपको RC में भी हेल्प करेगा। तो वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, वर्ड पावर मेड इजी, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टॉप रैंकर कोर्स में इनरोल हैं, तो आप सबको हमने 200 वोकैब लिस्ट प्रोवाइड करी है, जो कि कॉमन वोकैब वर्ड्स हैं, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सबको वहीं से प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रेटेजी। आप इंग्लिश सेक्शन को ईजिली 8 to 9 आवर्स की प्रिपरेशन से ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इंग्लिश सेक्शन में, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, तो अगर आप कम टाइम यूटिलाइज करोगे RC को सोल्व करने में, तो आपका सफिशियंट टाइम होगा फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, इन सबको सोल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका मैथ्स का। मैथ सेक्शन में बेसिकली आपके 10th लेवल तक के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया है, इजी एंड मॉडरेट टॉपिक्स। जो आपके इजी टॉपिक्स हैं वो है लाइक सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। ये आपके वो टॉपिक्स हैं कि अगर आपने 10th लेवल पर थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है, तो आप इजीली इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद आपको जाना है मॉडरेट लेवल पे। मॉडरेट लेवल पे जो आपके टॉपिक्स हैं वो है मेंसुरेशन, बेसिक एलजेब्रा, ज्योमेट्री। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। स्टूडेंट, बस मैथ सेक्शन में आप एक टिप याद रखना कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में जो कि ये ईजी टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, इन सब के क्वेश्चंस को पहले सोल्व करना है, बिकॉज इन टॉपिक्स से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने में एक तो कम टाइम लगता है, एज वेल एज इन टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इजी होते हैं। देन उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आपके टोटल 10 टॉपिक्स हैं मैथ सेक्शन के अंदर, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो कि आप इजिली 18 to 20 आवर्स की प्रिपरेशन से प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, के बाद जो आपका लास्ट सेक्शन आता है बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वो आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का। बेसिकली जो ये सेक्शन है, ये आपका IP यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा जाता है। इसमें बेसिकली जो आपने 9th-10th क्लास में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, वो पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं। बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, तो आप बिना प्रिपरेशन के भी इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो कम डाटा वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको पहले सोल्व करना है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। एंड सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है
कि आपके एक दो सेट ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये आपको जानकर दिए जाते हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो अगर आपका कोई सेट सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको उस सेट को लीव करके नए सेट पर जल्दी से जल्दी मूव करना है। ओके, सो इस सेक्शन को आप इजिली 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन से इजिली सेक्शन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इन 5 सेक्शन की प्रिपरेशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको देने हैं फुल लेंथ टेस्ट जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने में इन ईच सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फुल फ्लेज 60 आवर्स का स्टडी प्लान। अगर आपने 10 डेज इस एंटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और जो भी मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट टॉप रैंक इन योर अपकमिंग बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम। और स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बीकॉम एंट्री एग्जाम्स की जो भी स्टूडेंट्स सीरियस मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमने बीकॉम टॉप रैंकर कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स में आपके जितने भी बीकॉम एंट्री एग्जाम्स होते हैं लाइक सिम्बोसिस, जामिया, आईबीयू, इन सब की प्रिपरेशन को इस एंट्री एग्जाम में कवर किया गया है। इस कोर्स में आपके जितने भी एरियाज हैं जो कि आपके बीकॉम एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लाइक रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब एरियाज की प्रिपरेशन के लिए हमने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे हैं जो कि आप अनलिमिटेड टाइम्स प्ले कर सकते हो एंड किसी भी टॉपिक को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको हम इस कोर्स में ईबुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट से इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हो और हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली पढ़ सकते हो एज वेल एज उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस कोर्स में हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। एंड इस कोर्स में हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है, वो है पर्सनलाइज स्टडी गाइडर जो कि आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट योर पर्सनलाइज स्टडी प्लान एंड ऑल्सो हेल्प यू टू सोल्व योर डेली डाउट्स सो डैट यू कैन अचीव टॉप रैंक इन योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट expertsadda.in पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बस इस कोर्स की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि ओनली 200 स्टूडेंट्स ही इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस बीकॉम टॉप रैंक का कोर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज, बट इट इज अवर मिशन टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट। सो दैट्स वाई राइट नाउ हम सभी स्टूडेंट्स को ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है 999 की एट अवर वेबसाइट expertsadda.in। सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन सेंड यूर क्वेरी एट expertsadda.management@gmail.com। और स्टूडेंट, लेटेस्ट एंट्री एग्जाम अपडेट्स के लिए और एंट्री एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो, please don't forget to subscribe to our channel.